और इस वक्त की बड़ी खबर, सांपों के जहर की तस्करी के मामले में नोएडा पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस मामले में अब तक 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर सांपों के तस्करी का आरोप है। पुलिस कई बड़े नामों से पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी कर सकती है, लेकिन इसमें अभी तक का सबसे बड़ा नाम, सबसे मशहूर नाम एल्विश यादव का है। हालांकि उनके माँ बाप की दलीलें ये है कि उनके बच्चे को फंसाया जा रहा है, उनका बच्चा बेकसूर है, लेकिन इन सबके बीच अभी भी न्यायिक हिरासत में है एल्विश यादव। और पूछताछ के आधार पे कई ऐसे लोगों की अब गिरफ्तारी भी हो सकती है जो बड़े नाम है। उसने पहली बार 2019 में गद्दी पर बैठने का फैसला ले लिया। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, इनमें सत्ता में काबिज बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव हो गया, क्योंकि इस बार शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं थी। बीजेपी चाहती थी कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही सरकार का चेहरा हो। इस दौरान उद्धव ठाकरे को डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर नया गठबंधन तैयार किया, जिसे महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया, और 2019 में इसी गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुन लिया, और इस तरह से पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन तोड़ते ही केंद्र में एनडीए के दरवाजे भी उनके लिए बंद हो गए, और फिर कुछ साल बाद उनसे उनके पिता की पार्टी यानी शिवसेना भी छिन गई, और इस काम को अंजाम दिया सालों से शिवसेना के सिपाही रहे एकनाथ शिंदे ने। कहा जाता है कि बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के सबसे बड़े नेता थे, और अगर 2019 में शिवसेना से किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आती तो एकनाथ शिंदे ही वो नेता होते। और ऐन वक्त पर उद्धव ठाकरे ने पूरा खेल बदल दिया और खुद ही राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। और कहा जाता है कि इस बात ने एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बड़े धड़े को नाराज कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि 2022 आते आते एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ हो लिए, और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनसे उनकी पार्टी शिवसेना और तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी छिन गया, क्योंकि शिवसेना में पड़ी फूट का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई महीनों तक उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच खींचतान चली, और आखिर में शिंदे गुट ने कोर्ट में असली शिवसेना होने का केस जीत लिया। उधर एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी की गुंजाइश तो